नए साल का पहला जाम आपके नाम। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएल लाइफ। मैं नितीश, मैं अमिता, मैं वेदराज, और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट ईयर बहुत ही बंद से रहे हम लोग, और अब उम्मीद करते हैं कि जो अगला 2021 है सब कुछ बढ़िया हो जाए और हम लोग फिर पहले की तरह हमारी लाइफ हो जाए, आजाद जिंदगी जी सके हम लोग। तो आज के दिन हम लोग कुछ खास नहीं करने वाले हैं, बट फिर भी कुछ तो खास करेंगे। तो पिकनिक मनाने का कुछ ऐसा प्लान नहीं है हमारा, लेकिन हम लोग अभी निकलेंगे दिल्ली के सड़कों पे और देखेंगे कहाँ पे लोग कैसे पिकनिक मना रहे हैं इस माहौल में, जहाँ अभी लोग ठीक से बाहर नहीं निकले हैं। तो पार्क में देखेंगे कैसे लोग पिकनिक मना रहे हैं और हम लोग भी साथ में एंजॉय कर लेंगे और हमारे साथ एंजॉय करेंगे आप लोग। चलिए, घर में बच्चों को सेलिब्रेट करने के लिए डोनट्स और पेस्ट्री आ चुका है और वेदिका को डोनट्स बहुत पसंद है और जाम तो नहीं है, तो खाली ग्लास में भी नशा तो यहाँ होता है, तो एंजॉय तो हम लोग कैसे भी कर सकते हैं बिना नशे के भी। तो खाली ग्लास ही टकरा लेते हैं। चीयर्स। और पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। ये न्यू ईयर का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, जो न्यू ईयर की स्टार्टिंग हो रही है, इसमें बिल्कुल साथ मत छोड़िएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं। यस, चलो 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 चलो। तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर और थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे इंद्रप्रस्थ पार्क। और इंद्रप्रस्थ पार्क में न्यू ईयर में बहुत लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि वहाँ का क्या सिचुएशन है आज का। अभी का क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो पिकनिक मना रहे हैं या बंद ही है पार्क, ये भी नहीं पता है हमें, खुला है कि बंद है, पता नहीं जू की तरह हाल हो जाए। तो कोई बात नहीं, आज तो घूमने के लिए निकले हैं, घूमेंगे ही हमें, तो अभी चल के देखते हैं पार्क खुला है और लोग पिकनिक मना रहे हैं या नहीं है। तो हम लोग अक्षरधाम पहुँच गए हैं। ठीक, हमारे सामने अक्षरधाम है और रोड खुला हुआ है, मस्त गाड़ियाँ चलती जा रही हैं, मौसम ठीक है। सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था और ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो ठीक लग रहा है, अदरवाइज बाहर बहुत ठंड है। अब पिकनिक मनाने का वो मजा नहीं है, जब हम लोग छोटे थे ना तो पिकनिक मनाने का असली मजा आता था। अभी तो लोग घर में बना के लेके जाते हैं, पार्क में बैठ के खा लेते हैं। पहले क्या था, हम लोग जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग सब छिप छिप के अपने घर से सब्जियां कोई लेके आता था, कोई चावल लेके आता था, सब इकट्ठा होते थे एक जगह और सब बच्चे ही मिलके चूल्हा, लकड़ी का चूल्हा बना करके उस पर खाना बनाते थे और फिर सब खाते थे, कच्चा पक्का चावल सब्जी, बड़ा मजा आता था, बहुत एंजॉय करते थे, पूरे दिन हम लोग एंजॉय करते थे छोटे में, पूरे मोहल्ले के लड़के मिल करके, लड़के लड़कियां सब जितने भी फ्रेंड थे हम लोग, बहुत मजा आता था। लड़कियां लोग खाना बनाती थी, हम लोग सब्जी चावल जुगाड़ते थे। तुम लोग किए ऐसे? हम लोग करते थे पिकनिक, हमारे यहाँ भी होता था, तो मगर जब हम लोग बड़े हुए उस समय नहीं किए, जब हम लोग छोटे थे तो जो दीदी लोग थी या जो हमारे जो आस पास अड़ोस पड़ोस में, हम लोग दीदी लोग खाना बनाते थे सारे और हम लोग इधर उधर जुगाड़ करते थे, सब्जी कम पड़ गया, आलू कम पड़ गए, हम लोग घर से उठा के ज्यादा ला नहीं सकते थे, मम्मी डांटेगी, तो हम लोग इधर उधर से कहीं चुरा चुरा के लेके आते थे, दो पीस आलू, एक पीस आलू, वो अपने घर से लेके आया, वो अपने घर से लेके आया। बड़ा मजा आता था। जो हमारे पड़ोस में दीदी भैया लोग रहते थे वो लोग करते, हम लोग चंदा देते थे, चंदा इकट्ठा होता था, उसमें पिकनिक होती थी, तो इस तरह से हम लोगों ने भी किया है। और बड़े हुए तो जो फैमिली में जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो टेम्पू टाइप में होते हैं, ट्रक टाइप में छोटे छोटे, उसमें सबको हम लोग लोड हो जाते थे, दो चार फैमिली। जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते थे, हम लोग बच्चे, जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते थे तो हम लोग फिर कहीं जाते थे, जब मम्मी पापा लोग इन्वॉल्व है तो फिर इकट्ठे होकर सब लोग कहीं बाहर जाते थे, वहीं पे चिकन मटन बन रहा है, जाता था साथ में जाता था, प्रॉपर खाना बनता था, सब लोग खा रहे थे, सारा दिन घूमते रहते थे, सब कुछ रेडीमेड हो गया है, पिकनिक भी रेडीमेड। अगर आज हम लोग कुछ खाना वाना लेके नहीं आए हैं, बस यूं ही घूमने निकल गए हैं। हाँ, बच्चों को थोड़ा घुमा दे। नहीं, आज लगता है कि सब लोग ही इंद्रप्रस्थ पार्क आ चुके हैं, बहुत ही जाम है, पार्किंग के लिए भी यहाँ पे जाम लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि जगह मिलता है कि नहीं पार्किंग के लिए। पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं अंदर जगह है कि नहीं, मगर गाड़ियाँ अंदर ले तो रहे हैं, बाइक वाला आगे क्यों खड़ा है, निकल रहा है या अंदर जा रहे हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। यहाँ पार्किंग में लड़ाई हो रही है, हम पहले तो फाइनल। हाँ, हमें पार्किंग के लिए जगह मिल गई, बहुत मुश्किल है, गाड़ी फंस भी सकता है क्योंकि बहुत भीड़ है यहाँ पे और निकलने समय हो सकता है, अगर आप जल्दी निकले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और इधर पूरी लाइन लग चुकी है बाहर,
गाड़ी के लिए गेट बंद हो गया है, पार्किंग का गेट बंद हो चुका है। तो इतने सारे लोग आज पिकनिक मनाने आ रहे हैं आपको इंद्रप्रस्थ पार्क में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पार्क का क्या कंडीशन है। थोड़ा बॉल बॉल ले लेंगे, वेदिका वेदराज न्यू ईयर के दिन थोड़ा उछल कूद लेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लीजिए, वेदिका ने खोल लिया दरवाजा। टोपी टोपी वेदिका कैप प्लास्टिक है, रबर है। वेदिका के पास क्या क्या हो गया? यहाँ पे पिकनिक मनाने तो हम लोग पार्क के अंदर आ चुके हैं। लोग बैठ करके अपनी फैमिली के साथ खाना वाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और वेदिका के लिए भी हम लोगों ने कुछ खरीद दिया यहाँ खेलेंगे, क्योंकि खाना वाना तो लेके हम लोग आए नहीं है। नहीं, खाना लाने का वैसे प्लान भी नहीं था। हाँ, क्योंकि हमारा सिर्फ घूमने का प्लान था। यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे, खेलेंगे, होगा तो कुछ कैंटीन वैंटीन से खा लेंगे। कैंटीन भी यहाँ पे है और सब में भीड़ दिख रहा है। तो हम लोग बिल्कुल शांति स्तूप के सामने बैठ गए हैं। यहाँ घास बहुत ही सुंदर है और धूप बहुत अच्छा निकला हुआ है, तो यहाँ पे बैठ के धूप सीखने में भी तो घर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे खिली खिली हुई धूप और सुंदर सा घास, साफ सुथरा बिल्कुल, और माहौल चारों तरफ लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये लोग भी अपना खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस यही है पिकनिक हमारा आज 1 जनवरी को। हम लोग रिलैक्स होकर इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या मिल गया? डर लगता है। वेदिका जाएगी स्लाइड पे, लेकिन स्लाइड यूज वाला नहीं है, वो कटा हुआ है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे बच्चों के खेलने का है सारा टूटा पड़ा है। लॉकडाउन में किसी ने खेला नहीं, फिर टूट कैसे गया? ये सामने पोज देने की कोशिश कर रही है और कुछ फोटोग्राफ निकालने की कोशिश कर रही है। नहीं, मुझे लगा ये मेरा फोटो खींच रहे थे, मैं पोज भी हूँ। मेरे फोटो भी निकालेंगे और इंस्टाग्राम पे फोटोज भी आएंगे। मेरे फोटो मेरे इंस्टाग्राम पे और एमएल लाइफ पे पूरी फैमिली के फोटो, और वी फॉर वेदराज पे वेदराज के फोटो। तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। वेदिका, तुम माउंटेन पे आ गई हो। इसे यहाँ से नीचे उतरने में डर लग रहा है, इसे माउंटेन लग रहा है। ये माउंटेन है वेदिका, इतना बस ये माउंटेन लग रहा है तुम्हें? तो माउंटेन पे जाओगी तो फिर क्या होगा? तो अब ये अपने एमएन अन्नपूर्णा के लिए शूट कर रही है और कंटेंट कोई छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ। तो एमएन अन्नपूर्णा के लिए कंटेंट शूट कर रही है, तो एमएन अन्नपूर्णा पे भी जाइए, देखिए वहाँ पे हमारे घरेलू ब्लॉग्स आते हैं। हमारे जितने भी घर के ब्लॉग्स हैं ना आप एमएन अन्नपूर्णा पे देख सकते हैं। और वी फॉर वेदराज अगर वेदराज को देखना चाहते हैं तो वी फॉर वेदराज पे आपको वेदराज और वेदिका दिखाई देंगे। तो हम लोग अब फूड कोर्ट के पास आ गए हैं क्योंकि सबको खेलते खेलते भूख लग गया। अब देखते हैं कुछ खाने लायक। मसाला डोसा मिल रहा है, चाउमीन मिल रहा है और क्या, छोले भटूरे भी मिल रहा है और चिप्स वगैरह मिल रहा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रहा है। तो भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, नंबर लगना पड़ेगा, देखते हैं अगर कुछ नंबर मिल जाए तो कुछ खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बैठ चुके हैं और सामने हमारे छोले भटूरे, चाउमीन और डोसा। इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है मुझे। वहाँ से हम लोग चाउमीन लेकर आए हैं और बड़े लाइन लगने का। हम लोग यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, साथ में हमारे कौवे भी यहाँ पिकनिक मना रहे हैं, देखिए ये कौवा। तो ये मत समझिए कि न्यू ईयर सिर्फ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कौवे भी सेलिब्रेट करते हैं, सबके लिए नया साल है। कौवा डांस कर रहे हैं। तो चलिए अब खाते हैं इसे। डांस कर रही है वेदिका? कौवे डांस कर रहे हैं। कौवे डांस कर रहे हैं। सलाद का टेस्ट है ना, कैसा है? बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है और अंदर का उसका चोखा भी बहुत अच्छा दिख रहा है। घर का तो रोज खाती है। घर का खाते हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे जितनी भीड़ है और ये पार्क का टेस्ट कैसा होगा? कोई स्पेशल रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो जो भी है एंजॉय कीजिए इसको।
बहुत खेल लिए, बहुत खा लिए, थक गए हम लोग और पेट ज्यादा फूल गया। तो पिकनिक फिनिश हो चुका है हम लोगों का, हम लोग फुल मस्ती करके अब घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है। थोड़ा सा टाइम निकाल के एडिटर साहब हमारे साथ पिकनिक मनाने आ गए थे तो नहीं, बच्चों के लिए जरूरी था क्योंकि 1 जनवरी को जनरली सब लोग जाते हैं ऐसे ही बहुत दिनों से, सब घर में ही घर में। और खासकर बच्चों को तो कुछ कोई मिल भी नहीं रहा खेलने के लिए, स्कूल भी घर में ही हो रहा है। पहले स्कूल जाते थे तो बहुत फ्रेंड्स मिलते थे, अब सब घर घर में ही सब कुछ करते हैं। तो 1 जनवरी का ओकेजन अच्छा था तो आ गए हम लोग, पिकनिक मना लिए, पिकनिक भी हो गया, मजे भी हो गए, आप लोगों के लिए वीडियो भी हो गया। बहुत दिन से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ तो वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, बट न्यू ईयर रेवोल्यूशन ये है हम लोगों का। हाँ, लेकिन अब इस 2021 में आपको इतने वीडियोस दूंगा, जर्नीज के वीडियो, घर के वीडियो, आप लोग देखते देखते थक जाएंगे। तो प्लानिंग हो रही है और बहुत जल्द बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम लोग जो जो अच्छे अच्छे वीडियोस डाले आप लोगों के लिए जर्नीज के, तो आपके पास फटाक से पहुँच जाए और आप लोग जल्दी जल्दी सारा वीडियो देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय बाय।